नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी मिक्स सब्जी रेसिपी। मिक्स सब्जी तो आप बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन गारंटी है कि इस तरह से मिक्स सब्जी आपने शायद ही कभी बनाया हो। मिक्स वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, टमाटर। तो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। भिंडी को धुलकर अच्छे से इस तरह से काट लेंगे। 2 मीडियम साइज का आलू लिया था, इसको काट लेंगे इस तरह से। अब फटाफट गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा से तड़का लगाएंगे। 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डाल लेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और हरा मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे कटी हुई सब सब्जियाँ और अच्छे से उलट पुलट कर पौने की सहायता से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो एक बार इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और तारीफ़ करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट होने के बाद सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको बीच बीच में इसी तरह चलाते रहेंगे। अब इसी स्टेज पर डाल लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, किचन किंग मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और एक बर्तन की सहायता से ढककर इसको पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सब्जी सुनहरा हो चुका है और सब्जी लगभग 80 से 90% कुक हो गई है। ये देखिए आलू अब अच्छे से पक गया है, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और अब इसी स्टेज पर डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज का टमाटर था जिसको अच्छे से धुलकर पतला पतला काट लिया था। और अब डाल लेंगे सब्जी के अंदर और टमाटर के साथ 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। यदि यह सब्जी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 2 से 3 मिनट तक टमाटर के साथ सब्जी पका लेंगे। टमाटर बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाने वाला है। इस तरह से बनी हुई सब्जी आप पराठा के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व करिए। सबके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करिए। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गया है और मिक्स वेजिटेबल बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार इस कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स वेजिटेबल बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जो भिंडी नहीं खाता हो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करेगा।